बसमिल नाज़रीन कराची समेत सूबा सिंध वालों हो जो तैयार बारिश का एक और ख़तरनाक तूफ़ानी सिलसिला आ रहा है बारिश का ये तूफ़ानी सिलसिला आज रात कितने बजे कराची समेत सूबा सिध के अंदर दाखिल होगा और इस नए सिलसिले से कहाँ कहाँ बारिशें होंगी और कितनी मिली मीटर तक बारिशें रिकार्ड होंगी ये तूफ़ानी सिलसिला कब तक कराची समेत सूबा सेंध के अंदर जारी रहेगा सिंध के मौसम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन नाजरीन पहले आपसे गुजारिश है कराची समय के मौसम की ताज़ा के मुताबिक इस वक्त सिंध के अक्सर इलाकों में बारिश का सिलसिला जोरों शोर से जारी है और आने वाले मजद चंद घंटों तक जारी रहेगा आज हमारी पेश गोई के मुताबिक बारिशें पिछली बारिशों से ज्यादा रिकार्ड हुई हैं और, है। और बारिश का सिले दाखिल होने का खतरा है जो चंद बाद पूरी ताकत के साथ समय में दाखिल होगा इस नए सिलसिले से शदीद गरज चमक का भी इम्कान है और इस सिलसिले से शदीद हालात भी पैदा हो सकते हैं मजीद आपको बताते चले नए सिलसिले से हमारे अंदाजे के मुताबिक एक सौ पचास से एक सौ अस्सी मिलीमीटर तक बारिशें रिकॉर्ड हो सकती है इसलिए नाजरीन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जितना ज्यादा हो सके एहतियात करें और बारिश का मौजूदा सिलिला जैसे ही खत्म होगा उसके बाद एक और बारिश का नया सिलसिला कराची समय सुबह सेंध के अंदर दाखिल होगा जो कल सुबह से अपने रंग दिखाना शुरू कर देगा कराची वालों अल्लाह पाक से अब खैर की दुआएं मांगो क्योंकि जो सूरत हाल नजर आ रही है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है हमने तो पहले यह कहा कर दिया था कि इस बार मानसून की बारिशें कई गुना ज्यादा होंगी और वही बारिशें सिंध में दाखिल हो चुकी हैं बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जहां भी दे खैर की बारिश दे और हम सब को अपनी हेफ्सो मान में रखे बाकी मौसम के हवाले से बारिश के हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे तब तक के लिए नाजरीन आप देखते रहिए हमारा चैनल वेदर इनफो